आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। इस टॉपिक में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो मार्क करी जाती हैं जेनेरिक नेम्स के ही अंडर? तो राइट आंसर है इसका शेड्यूल W। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ऐसी लिस्ट ऑफ डिजीज होती हैं जो क्लेम करती है नॉट टू क्योर बाय ड्रग? का राइट आंसर है शेड्यूल J में लिस्ट ऑफ डिजीज होती हैं जो क्लेम करती हैं कि ड्रग से वो क्योर नहीं हो सकती। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? तो इसका राइट आंसर है शेड्यूल G। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन प्रोवाइडेड है? तो इसका राइट आंसर है शेड्यूल ई। शेड्यूल ई में आपको जितनी भी लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजनस ड्रग है वो मेंशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रग इंस्पेक्टर कौन से एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट होता है? तो इसका राइट आंसर है 21 ऑफ IPC, इंडियन पैनल कोड। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, एंटी सीरा की टेस्टिंग कहाँ होती है? तो इसका आंसर है इज्जत नगर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एंटी सीरा की टेस्टिंग की जाती है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग कहाँ होती है? कसौली में होती है, वहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बायोलॉजिकल्स एंड अदर बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग होती है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर है गाजीपुर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ओपियम की वो किसके द्वारा की जाती है? का आंसर है जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की ओपियम फैक्ट्री होती है वही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है ओपियम की। टेंथ क्वेश्चन है, कोका ओपियम एंड हैम्प जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर है डेंजरस ड्रग एक्ट एंड नार्कोटिक एक्ट। हमारा 11th क्वेश्चन है, अगर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पेनल्टी लग सकती है, तो वो पेनल्टी हमारी कितनी होती है? 5,000 रुपीज़। 12th क्वेश्चन है हमारा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है वो कितनी पार्ट में डिवाइडेड है? तो इसका राइट आंसर है 23 पार्ट में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स डिवाइडेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फॉर्म नंबर है जो टेस्टिंग एंड एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है ड्रग्स की? तो इसका राइट आंसर है फॉर्म नंबर 11। फॉर्म नंबर 11 हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी ड्रग की टेस्टिंग करनी है या फिर एनालिसिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर अमेंडमेंट की गई थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कौन से ईयर में? तो इसका राइट आंसर है 1982 में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में सिचुएटेड है, यहाँ पर एंटी सीरा की टेस्टिंग होती है। तो क्वेश्चन आपको रिलेटेबल मिलेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर सकें। अगर आप फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।